अस्सलाम वालेकुम टू ऑल किंग ऑफ जनकार फैंस। क्या हाल है सब भाई होंगे? उम्मीद है जी सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश पास होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे सब। हले जी, पार्ट 8 जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ईगल का सारा डाटा दिखा दिया था जो मेरे पास ईगल में पड़ी थी। रिकॉर्डिंग होने वाली है, जो मतलब कि अभी रिकॉर्ड मैंने करनी है, तो ये वो मैंने सब पार्ट 8 में दिखा दी थी। आज जो है हम पार्ट 9 शुरू करेंगे, और 9 के अंदर आज हम ना हीरा का जो डाटा है ना, आज हीरा को देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरी मारिया गोल्ड या लोकल कंपनीज को देखेंगे। फ़िलहाल चलते हैं हीरा कंपनी की तरफ। और काफ़ी भाइयों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी भाइयों ने वीडियो को देखा है, और डेली वाइज पर ना 20 से 25 जो घंटे ना मुझे मिल रहे हैं, और मेरा रह गया तकरीबन 238 घंटे रह गए हैं पीछे। बस अगर 4 से 5 दिन ऐसे ही मुझे आप लोग 20 20 25 25 घंटे करके भी प्रोवाइड करके, मतलब कि अगर 4 5 भाई भी मेरी डेली पूरी एक वीडियो वॉच कर लें, तो वो मेरा एक 2 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ज़रूर मेरी वीडियो वॉच करेंगे और ज़रूर मेरा साथ देंगे, और जैसे ही मेरा ये चैनल का मसला हल हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, और फिर आपको मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि आप लोग ये वॉच करें, आप लोग वो वॉच करें। फिर आपको बग़ैर वॉच किए, बग़ैर आपकी डिमांड रिक्वेस्ट, आपको सब कुछ इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। VCR वाली फिल्में, ऑडियो कैसेट वाली फिल्में, एल्बम, सॉन्ग्स, जो आपकी डिमांड सद रात से रही है जिन चीज़ों को लेकर, वो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो रिक्वेस्ट हैं, वो मैं ज़रूर अपने चैनल पर पूरी करूंगा। आप सबका काफ़ी जो प्यार है मेरे लिए, मैं उस प्यार का बदला आपको, हम आपकी डिमांड रिक्वेस्ट पूरी करके ज़रूर उस प्यार का बदला आपको दूंगा। तो काइंडली आप लोगों ने बस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच किया करना है, वीडियो ज़रूर पूरी देखा करें। और वीडियो पूरी देखने से आपको एक तो ये जानकारी मिलेगी कि आगे फ्यूचर में कौन कौन से एल्बम, कौन कौन सी मूवीज़ मेरे इस चैनल पर रिलीज़ होने जा रही हैं, तो आपको वो भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और कुछ आपको कलेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास क्या कलेक्शन है, क्या कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा डाटा के हवाले से, कि मेरे फ्यूचर में जो इस चैनल पर मैं एल्बम रिलीज़ करने वाला हूँ वो कौन कौन से आने वाले हैं इस चैनल पर, जिन जिन भाइयों की जो रिक्वेस्ट डिमांड हैं, जो मतलब काफ़ी अर्सा दराज से पूरी नहीं थी हो रही, वो मेरे थ्रू आपकी पूरी हो जाए तो आप भी खुश, मैं भी राज़ी। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि काफ़ी अरसा दराज से हमने एल्बम बोले हैं, वो अभी आपने अपलोड नहीं किए, तो भाई वो अभी मैं अपलोड नहीं कर सकता। आपको बताया कि मेरे चैनल का जो इशू है ना वो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 238 घंटे रहते हैं बिना, जो चैनल का मसला है ना, वो 238 घंटे ना आप लोग पूरा करेंगे, आप लोग वीडियो वॉच करेंगे तो तभी पूरा होगा। अगर एक भाई या 3 4 भाई जो है ना डेली रात को वाईफाई, अगर जिन भाइयों के पास है वो रात को मेरी प्लेलिस्ट प्ले करके मोबाइल उल्टा रख के आवाज़ बंद करके सो जाएं, तो सारी रात वो मेरी वीडियो चलती रहे, तो 4 से 5 दिन में मेरा मसला हल हो जाएगा। तो काइंडली सब भाई कोशिश कीजिएगा कि ऐसा अगर आप कर दें तो फिर तो 2 से 3 दिन में मसला हल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो काइंडली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे ज़रूर पूरा वॉच किया करें। तो चलें बढ़ते हैं अब एल्बम्स की तरफ। आज आपको हीरा कंपनी के जो एल्बम है ना मेरे पास वो दिखाता हूँ। हीरा कंपनी में बढ़ते हैं, यहाँ पे नसीबो भी हमारे पास अवेलेबल है हीरा में, फरा लाल होगी, मुजरे मुजरे के कुछ वालियम होंगे, मैडम नूर जहाँ होगी, आज वो आपको शो ऑफ करवाते हैं। उसके बाद फिर हम आएँगे DJ कंपनी की तरफ, उसके बाद CD कंपनी की तरफ आएँगे, फिर मारिया गोल्ड मेरे पास पड़ी हुई है। मारिया बहुत ज़्यादा डाटा है, ज़्यादातर मेरे पास जो है ना लोकल कंपनीज में बहुत डाटा है जिनमें रेयर सॉन्ग्स आए हैं, मतलब जो कि ईगल और दूसरी कंपनियों ने नहीं झनकार में बनाए, वो लोकल कंपनियों ने बनाए हैं। जैसे ये देखें, सरताज स्टीरियो है, आशी गोल्ड है, डिस्को कंपनी है, वीवा गोल्ड है, ई टिप टॉप है, एशिया कंपनी, PMC मिलियन, और उसके बाद कौन सी है जी, लेज़र है, डिजिटल है, पता नहीं अजीब अजीब कंपनियों के नाम्स हैं, तो वो सब आपको शो करवाएंगे हम। चलें बढ़ते हैं अब ज़रा, पार्ट जो है ना 9 हम शुरू करते हैं। पार्ट 9 में आज हीरा कंपनी है, हीरा दिखाऊंगा, हीरा के वालियम। तो गमगीन झनकार, झनकार वाली में 180, मैडम नूर जहाँ के पंजाबी गाने, हंजुआ दी माला, सॉन्ग लिस्ट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको हीरा कंपनी में कौन सा एल्बम पसंद है, फिर मैं उसे जल्दी रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पर। जनकार गीत फराह खानम के, दुनिया मतलब दियो यार।
उसके बाद हमारे पास वाली मत है जी, शब्बे गम तन्हाई नहाई दख्तर ट्रेजिडी झनकार एल्बम है, वन झनकार वाली है 79। सॉन्ग लिस्ट आप लोगों ने खुद रीड करनी है, सॉन्ग लिस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर सॉन्ग पढ़ने जाऊंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यार। हीरा झनकार में है रंगीला पार्ट वन, झनकार वाली 215 बेस्ट ऑफ रंगीला। हनी वॉइस रूना लैला मधुर आवाज़ हीरा झनकार वॉल्यूम है जी 76। तुम्हारा चाहने वाला मैडम नूर जहाँ पंजाबी हीरा झनकार वॉल्यूम है जी 85। नूर जहाँ पुजारन उर्दू सॉन्ग है शायद जी। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है जुबैदा खानम क्या हुआ दिल पे सितम, उर्दू गाने हीरा झनकार में वॉल्यूम 219 नंबर। काफ़ी भाइयों की यादें जुड़ी होंगी इन एल्बम्स के साथ, काफ़ी भाइयों ने इन एल्बम्स को ख़रीदा होगा उस दौर में, किसी ने 20 में, किसी ने 25 में, 35 में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ना ये चीज़ें मुझे बताया करोगे, किस भाई ने किस दौर में कौन सी कैसेट कितने रुपए में ली थी और किस शहर से ली थी आप लोगों ने। ये चीज़ें ना बड़ी यादगार होती हैं, अगर मुझे ऐसे कोई इंसान मिल जाए ना तो यकीन जाने मैं उनका इंटरव्यू करूँ, उनके पॉडकास्ट बनाऊँ, इंटरव्यू वगैरह करके ना ये पुरानी यादें जो है ना ताज़ा की जाएँ, इनकी हाईलाइट्स की जाएँ। करना तो ऐसे मैं चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा कोई मिलता नहीं है इंसान। नसीबो डांसिंग झनकार है जी वॉल्यूम नंबर 33 स्पेशल झनकार। अब इस कैसेट का हाल देखिए आप, फिर इसे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी करूँगा आप लोगों के लिए, फिर आप लोग देखिएगा इसे सुनिएगा और क्या बोलते हैं उसे, हमारी कारीगरी हमारी महारत को फिर दाद भी दीजिएगा कि इस कैसेट की रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक पहुंचाना। मसूद राणा वॉल्यूम 33 उर्दू सदाबहार गाने हीरा झनकार में। ये सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तानी मिले जुले गाने वॉल्यूम है जी 230 हीरा झनकार में। हीरा में जो मेरे पास पड़ी हुई है ना रिकॉर्डिंग करने वाली, ये मैं वो दिखा रहा हूँ जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो मैंने अलग साइड पे रखी हुई है ताकि वो इनमें दोबारा से मिक्स ना हो जाए, दोबारा से फिर ना कहीं रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि इतनी कैसेट रिकॉर्ड की जाती है याद नहीं रहता कौन सा हुआ कौन सा नहीं। कुछ एल्बम तो मैंने इनमें से सेल आउट भी कर दिए, जो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है वो मैंने सेल कर दिए थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग उनका डाटा मेरे पास सेव पड़ा हुआ है तो वो मैं अपने चैनल पर इसी पर रिलीज़ करूँगा बगैर आपको उसका रिव्यू वगैरह करवाए, डायरेक्टली वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये एल्बम मैंने तकरीबन 3 साल पहले रिकॉर्डिंग किया था पुराने सेटअप पे, तो आज फिर मेरे सामने आया ये। सॉन्ग लिस्ट बड़ी गंदी सी है यार, चलें फिर भी जितनी आपको नज़र आए आप उतनी पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं HD कवर जब बना के रिलीज़ करूँगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नूर जहाँ मेहंदी हसन प्रेम रोगी जहीरा झनकार वाली में 132। नी मैं खाबा विच वे की आए थे पब्लिक डिमांड वॉल्यूम 1 पंजाबी सरताज झनकार गीत मोस्ट डिमांडेड वॉल्यूम, मेरे खुद के बहुत फेवरेट। इन्हें आज मैं निकालता हूँ, इन्हें तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगा यार। इन एल्बम्स को लेके ना काफ़ी भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत हलचल है। आज निकालते हैं इन्हें, इन्हें रिकॉर्डिंग करते हैं। साइड आउट क्लास सॉन्ग लिस्ट है और मज़े की बात ये सब झनकार में है, ये इनमें झनकार डाली गई है जो इंडियन एल्बम में झनकार डाली गई थी ना अपना। अच्छा ये दूसरा पीस आ गया, जो डिश चॉइस एल्बम थे इंडिया में हीरा झनकार के, तो इनमें भी वही झनकार है, मतलब ये 2000 के बाद बनाए गए हैं तो इनमें झनकार उसी टाइप की डाली गई है, 2002 या 2001 में ये बने हैं। आउटस्टैंडिंग वर्क किया है हीरा वालों ने ना एंड पे आके, हीरा वालों ने मौज करा दी यार। मुजरा ही मुजरा वॉल्यूम 34
ये ओरिजिनल है, इसमें पता नहीं जानकार है कि नहीं, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखेंगे इन्हें भी जब टाइम आएगा, जब इनकी तरफ हम आएंगे रिकॉर्डिंग करने। रोग मैं ता लुट गई विच बाजार फरा लाल। नीमे खाबां विच वेखिया नूर जहां मस्तानी जिनकार वालियां मैं जी 59 अजे सोचनी आ की गल कहनी अजे सोचनी। मस्ती भरी आवाज अफशां हीरा जनकार वालियम 212 पंजाबी सॉन्ग्स। अंग अंग दे विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार। आओ क्लास सॉन्ग है यार, क्या आउटस्टैंडिंग शेर व शायरी थी, क्या म्यूजिक था, मज़ा आ जाता है सुनकर, बंदा एकदम ताज़ा फ्रेश पुराने लम्हों में खो जाए। प्यार हीरा जिनकार वॉल्यूम 104 पाकिस्तानी मीडियम अवार्ड याफ्ता गाने। गरम गुलाबी शाम डेटा दिखाने का एक फ़ायदा तो हो रहा है, मुझे खुद भी पता चल रहा है कि मेरे पास क्या कुछ पड़ा हुआ है, और कुछ भाइयों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यार क्या है क्या नहीं, या पता नहीं रिकॉर्डिंग करते भी हैं या किसी की उठा के चैनल पे डाल देते हैं, तो वो भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो वीडियो अपनी होगी, एक आवाज़ अपनी होगी, हाथ अपने हैं, डाटा अपना है, कैसेट अपनी है, सेटअप अपना है, हर चीज़ अपनी है। पश्तो धुन उर्दू गाने जनकार वॉल्यूम 241 पार्ट 1, तो सबको जो है ना डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, बस मेरे चैनल का मसला हल हो जाए उसके बाद फिर देखिएगा बारिश होगी। इन सारे एल्बम होगी तो ऐसी कि तैसी मिनटों सेकंटों में करेंगे चैनल पे, जिस दिन ही मसला हल होगा ना उसी दिन कुछ 40-50 एल्बम मैंने फेंकना है इकट्ठा ही। फिर आगे रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान में बिल्कुल हम स्टॉप कर देंगे, फिर रमज़ान के बाद ईद पे हम स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद तो फिर ख्याल से बोलते हैं नॉन स्टॉप सब चलेगा। सपना मेरा सच। मैडम नूर जहाँ पंजाबी पुराने गाने हीरा जनकार वॉल्यूम 238। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कौन सा एल्बम जो है जिस भाई को पसंद आया, कितने मिनट कितने सेकंड पे कौन से एल्बम में कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है, फिर उस हिसाब से मैं उसे अपलोड करूँगा। तो ये थे मेरे पास हीरा का मैं कलेक्शन, हीरा कलेक्शन तकरीबन मेरे पास जो पड़ी थी आपको दिखा दी है मैंने, बाकी जो रिकॉर्ड कर लिए वो लहदा पड़े हुए हैं, वो मैंने लहदा रखे हुए हैं, क्योंकि हीरा में मेरे पास 300-400 एल्बम था वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ये बस रहते हैं रिकॉर्डिंग करने वाले। तो बाकी जिस भाई की जो भी डिमांड जो रिक्वेस्ट है वो चैनल का मसला हल होने के बाद ज़रूर पूरी की जाएगी, तो आपने ना मुझे बताना ज़रूर है, वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करना है, मेरे कुछ सवालों के जो जो जवाब है ना वो आपने ज़रूर देने हैं। मैंने आपसे जो बातें की हैं कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा किस भाई ने कब कौन सी कैसेट किस जगह से किस शहर से ख़रीदी थी, और किस भाई को कौन सा एल्बम पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वही एल्बम वही सॉन्ग उस भाई के नाम के साथ ज़रूर अपलोड करूँगा अपने इसी चैनल पर। और बाकी जो मेरे ना चैनल का वॉच टाइम का मसला है वो आप लोगों ने पूरा करना है, वीडियो वॉच करने के बाद वो मसला हल होगा, तो आप वीडियो ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा, और मेरे लाइक जो कुछ होगा ना फिर मैं वो ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ, जो चीज़ें नहीं भी हैं ना मेरे पास वो मैं खुद बना के अपलोड कर दूँगा। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है कि यार फलां एल्बम या फलां गाना आपके पास मिला नहीं है, निकला नहीं है, आपके पास है नहीं, वो हम खुद बना लेंगे यार, जनकार बीट्स बनाना अब आ गई, अब हर चीज़ हाथ में हो गया, अब बस देर है, तो बस इस देर की कि चैनल का मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। जिस दिन चैनल का मसला हल होगा ना उस दिन समझेंगे आप लोगों के मसले हल हो गए, मेरे मसले हल हो गए, तो आप लोगों ने मेरा साथ ज़रूर देना है, मुझे साथ लेकर चलना है, मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। और कुछ जो है ना सॉन्ग्स जिनकी मुझे इजाज़त मिली है ना वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, आप लोग वो सुनिएगा, ये मैं आपको बताता चलूँ। मैडम नसीबों के कुछ सॉन्गों की मुझे इजाज़त मिल गई है वो मैं अपलोड करूँगा, वो चेक कीजिएगा, सुनिएगा, इन्जॉय कीजिएगा।
ओके, दुआ में याद रखिएगा।